हेलो स्टूडेंट्स हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूं अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच चुके सुबह के 9 स्वागत है आप सभी का ठीक सुबह नौ बजे की क्लास रीजनिंग क्लास में तो चलिए करते शुरू आज के बेहतरीन सेशन की जिसमें आज मतलब फ्राइडे में हम लोग करने वाले एक बेहतरीन टॉपिक वाला सेशन मतलब आज के दिन मैं आपको एक कॉन्सेप्ट करवाऊंगी क्लियर बहुत ही अच्छे से चीजों को समझते जानते परखते हुए चलेंगे ताकि कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत सिटिंग अरेंजमेंट पजल कैलेंडर जैसे चैप्टर है तो बिल्कुल भी ना हो तो बिल्कुल भाई गुड 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 मॉर्निंग 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 अ वेरी तो जल्दी से फटाफट से सभी स्टूडेंट्स आ जाइए और एक बार सेशन को लाइक like करके शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स क्लास में लाइव आ सके चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कुछ डिटेलिंग जो एग्जामपुर की तरफ से कोर्स निकले उसके साथ तो दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल के लिए एग्जामपुर लेकर आया है योद्धा बैच एक ऐसा बैच जो स्पेशली फॉर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल वाले स्टूडेंट्स के लिए है इस बैच का प्राइस या मैं बोलू फीस तो इस बैच की फीस है सात सौ निन्यानवे रुपीज जब आप इस बैच को परचेज करेंगे तो डीपी ट्वेंटी कोड लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, तभी आपको ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट मिलेगा डेली लाइव क्लासेस डाउट सेशंस जूम मीटिंग आपकी इंट्रेक्शन होती है टीचर से फेस टू फेस साथ ही में आपको प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ विद सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं नब्बे दिन का टारगेट बैच है सितंबर 2022 में इसका एग्जाम होना है तो छह दिन की छह महीने की सॉरी इसकी वैलिडिटी है अगर आप चाह रहे हैं केवल कंप्यूटर को पढ़ना अगर आपके एग्जाम में केवल कंप्यूटर के ज्यादा मार्क्स मतलब ज्यादा नंबर का कंप्यूटर आता है तो जुड़ सकते हैं आप कंप्यूटर 360 डिग्री के साथ इसमें मैं बेसिक से एडवांस लेवल तक का आपको कंप्यूटर भी पढ़ा रही हूं साथ में एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट की प्रैक्टिकल क्लासेस भी चल रही है इसकी फीस है चार आफ्टर अप्लाइंग कोड प्रीति फाइव ओके चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को क्वेश्चन नंबर वन ब्रेन बूस्टर है स्टार्ट करिए बताइए बड़ा पड़ से इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और इस क्वेश्चन के लिए आपको दिए जाते केवल और केवल और कुछ हमको निन्यानबे रुपए का दीजिए रेगुलर स्टूडेंट है अच्छा निन्यानबे तो बहुत ज्यादा है और कम नहीं कर दे हाँ कम से कम वाजिब फीस तो बोला करो आप भी ऐसी फीस बोलते हो ठीक है चलो बताइए जरा क्या होगा इसका आंसर एक बार बच्चा क्लास जो ले रहा है ना उनसे पूछा करो तो वो कहेंगे कि मैम इतनी फीस भी कम होती है आपको तो ज्यादा लेनी चाहिए फिर हम कहते हैं नहीं नहीं इतनी माया ठीक है हाँ चलो पढ़ लो शांति से क्या होगा इसका आंसर आंसर आना स्टार्ट हो चुका है वेरी गुड क्योंकि पहली नजर में देखने और करने वाला क्वेश्चन था तो यहाँ पर मुझे पता चला भाई टू थ्री तेईस रखा है फिर चौसठ फिर आठ सौ बारह फिर दो हजार चार सौ सो सोलह उड़ी बाबा बहुत जल्दी संख्याएं बदल रही हैं फिर मैंने जब इसको दूसरी झलक में देखा तो मुझे पता चला कि भाई इसने क्या करा है दो की गुणा दो में करके तो पीछे लिख दी और तीन वाले की दो में गुणा करके आगे लिख दी चौसठ आ गया फिर आगे वाले की दो में मल्टीप्लाई करके आगे लिख दी पीछे वाले की दो में मल्टीप्लाई करके पीछे लिख दी आठ सौ बारह आ गया फिर आठ की दो में मल्टीप्लाई करके पीछे लिख दिया और बारह की दो में मल्टीप्लाई करके चौबीस आगे लिख दिया दोबारा से पीछे वाली संख्या की दो में गुणा करके आगे लिख देंगे और चौबीस आगे वाली संख्या की दो में गुणा करके पीछे लिख देंगे ऑप्शन बी बी विल द राइट आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अच्छी थी सीरीज हालांकि कर लिया आप सभी ने क्लियर है क्लास बिल्कुल लाइव चल रही है रिकॉर्डेड किसको लग रही है हाँ बताए इतने इतने पानी में से तो निकल कर आ रहे हैं जितनी बुरी बारिश हो रही थी सुबह और ऊपर से जो जो गाड़ी चलाते हैं ना स्पेशली भाई मैं उनको कहूंगी बहुत से लोग बहुत कम लोग हैं जो सही से चलाते होंगे जो कार चलाते हैं उनको तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारा परम धर्म मतलब भरम कर्तव्य है कि जो रास्ते के किनारे से लोग जा रहे हैं उनको नहला दें उन्होंने पता नहीं क्या ही सोच रखी है है ना तो मेरा तो मन करता है कभी ऐसा हो ना तो बस क्या ही बोलू मैं छोड़ो चलो बट अगर आप चलाते हो तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो आस बहुत लोग चल रहे होते हैं बताइए जरा यहाँ पर कि बी के अपोजिट क्या आएगा ये ओपन डाइस का क्वेश्चन है खुले हुए पासे का क्वेश्चन है ठीक है आपको बताना है कि बी के अपोजिट कौन सा सरफेस या कौन सी सतह देखने को मिलेगी गड़बड़ मत करना कर दी ना गड़बड़ ऑप्शन बी आ गया आंसर देखो यहां पर अगर मैं सरफेस की बात करती हूँ तो अल्टरनेटिव मेथड से ई के अपोजिट तो सी आ जाएगा इसमें तो कोई दो नहीं है A के अपोजिट डी आ जाएगा ये भी बिल्कुल क्लियर है लेकिन जो बीच में बी लिखा है ना इसके अपोजिट आएगा जब ये कोने वाली कटिंग आप फोल्ड करते हो अब देखो होता क्या है ये जो कोने वाली कॉर्नर है ये तो सीधे दिखाई दे रहे हैं इसको मोड़ोगे पीछे की तरफ से तो जो कोने आपको घड़ी के दिशा के अनुसार दिखाई दे रहे हैं कटिंग वाले शेप में जब इसको मोड़ते हैं तो ये इसकी दिशाएं बदल जाती हैं यहां वन टू थ्री फोर घड़ी के दिशा में है लेकिन जब आप इसको पीछे की तरफ मोड़ोगे तो वन टू थ्री फोर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगी। याद रखना ये कोने की कटिंग के साथ होता है केवल बाकी तो सेम दिशाएं देखते हैं कॉर्नर वाली कटिंग मुड़ने के बाद हमेशा विपरीत दिशा बनाती है जो एंटी क्लॉकवाइज है वो क्लॉकवाइज हो जाएगी जो क्लॉकवाइज है वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी तो एक दो तीन चार घड़ी की दिशा में था या एक दो तीन चार एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा सेम ऑप्शन मुझे ऑप्शन सी में दे रखा है सी विल बी द राइट आंसर क्लियर है या नहीं क्लियर है आगे चले चलो नेक्स्ट देखते हैं और भी क्या क्या चीजें आएंगी तो अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक है ना आज का टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है तो बहुत मजेदार टॉपिक है और देखो मैं बोलूंगी सिटिंग अरेंजमेंट या पजल से कब तक डरोगे कभी ना कभी तो सीखना पड़ेगा आज मैं आपको बेसिक से सिखाने आई हूँ मेरे साथ पचास मिनट बेहतरीन तरीके से समझ लो फिर डर नहीं लगेगा कभी सिटिंग अरेंजमेंट से अगर हम बात करते बैठक व्यवस्था की जिसके अंदर आपका पजल भी पूछा जाता है अगर हम बात करते बैठक व्यवस्था की या सिटिंग अरेंजमेंट की तो कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्लियर है तो बैठक व्यवस्था में क्वेश्चन आते हैं आपके दो प्रकार के या तो लीनियर बैठाया जाएगा या तो पंक्तियों में बैठाया जाता है या फिर सर्कुलर बैठाया जाता है बोला जाएगा आठ लोग हैं दस लोग हैं और गोले में बैठाना है तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो पहले हम इसके बेसिक को सीखते हैं फिर डायरेक्टली क्वेश्चन पर चलने वाले हैं पहले लीनियर के बारे में बता दूं जैसे क्वेश्चन में देखने को मिले सबसे पहला पॉइंट यहां पर याद रखना अगर आपसे बोला जाता है कि ए बी सी डी ई पांच लोग हैं और ये इसी क्रम में बैठे हैं और सबका चेहरा उत्तर की तरफ है नॉर्थ डायरेक्शन में है, समझना बहुत ही अच्छे से सबका चेहरा उत्तर की तरफ है तो जब आप बैठ के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हो ना तो आपका भी चेहरा उत्तर की तरफ ही होता है ये मान के चलना तो यहां पर दिया कि भाई पांच लोग हैं हमने बना दिए पांच लोग और इसी क्रम में बैठे हैं ए बी सी डी इनका चेहरा ऊपर उत्तर की ओर है नॉर्थ डायरेक्शन में है उत्तर की ओर नॉर्थ डायरेक्शन तो जो आपका दाया हाथ होगा राइट हैंड वो उस पंक्ति का राइट हो जाएगा जो आपका बायां हाथ होगा लेफ्ट एंड वो उस पंक्ति का बायां हाथ हो जाएगा समझ में आ रही है चीजें अगर मैं इसके अंदर एक क्वेश्चन आपसे पूछूं तो बताइए जरा क्या बताओगे आप अगर मैंने इसमें क्वेश्चन पूछा कि बी के बी के दाएं से दूसरा व्यक्ति कौन है बताना जरा क्या होगा इसका आंसर हु इज द सेकेंड लेफ्ट टू द बी बी के दाएं से लेफ्ट से कौन सा व्यक्ति दूसरे नंबर पे आता है करिए जरा इसका आंसर करिए से बिल्कुल कैलेंडर भी मिक्स इसके इसके साथ पर पहले कुछ क्वेश्चन निकाल लो फिर कैलेंडर भी कर लेंगे डी 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 आंसर आना स्टार्ट हो चुका है बिल्कुल क्योंकि आपने पकड़ा बी को बी के दाएं से बोला ना बी को पकड़ो बी का दाया हाथ यही होगा जो मेरा है वो उसका है तो बी का दायां हाथ ये हो गया बी के दाएं से पहला व्यक्ति सी बी के दाएं से दूसरा व्यक्ति डी मेरे को दूसरा व्यक्ति पूछा था तो डी आंसर हो जाएगा इतना क्लियर है चलो आगे अगर मुझसे क्वेश्चन में कहा जाए कि भाई पी क्यू आर एस टी यू ये छह लोग हैं और इन सभी का चेहरा दक्षिण दिशा में है साउथ डायरेक्शन में है छे लोग हैं और इन सभी का चेहरा दक्षिण दिशा में नीचे की तरफ है ऐसे बैठे हैं तो मैंने ऐसे बना दिया P Q R S T U इसी तरीके से बना दिया क्लियर अब क्या होता है जब सबका चेहरा इन सभी का चेहरा नीचे की तरफ है साउथ डायरेक्शन में है इन सभी का चेहरा दक्षिण दिशा में तो अब आप अपने आप को ऐसे इमेजिन करोगे आप साउथ की तरफ देख रहे हो अब आपने जो पहले लेफ्ट बनाया था वो राइट हो गया अब मेरा ये वाला हाथ राइट हो गया इसका मतलब जो पहले मेरा लेफ्ट था अब वो मेरा दाया और हो जाएगा, राइट हो जाएगा जस्ट अपोजिट नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है तो यहां पर लेफ्ट का अपोजिट राइट आ जाएगा और यहां पर राइट का अपोजिट लेफ्ट आ जाएगा खत्म बात अब मेरा बाया ये दाया हाथ ये अब मुझसे अगर ये क्वेश्चन पूछता है कुछ इस प्रकार से कि आर के आर के बाईं से दूसरा व्यक्ति कौन होगा बताइए जरा आर के लेफ्ट से सेकंड पर्सन, दूसरा व्यक्ति कौन होगा करिए जरा फटाफट पड़ से इसका आंसर बताइए जरा फिर आगे बैठाएंगे इसको ईस्ट में भी और वेस्ट में भी सब जगह बैठाएंगे फिक्र मत करो। कबूतर वाले क्वेश्चन लेकर आइए मैम पहले सिटिंग अरेंजमेंट में लोगों को बैठा लो तभी तो कबूतर लाऊंगी तो लोग पकड़ पाएंगे पहले लोगों को बैठाओ फिर कबूतर आएगा करिए जरा टी आंसर आना स्टार्ट हो चुका है बिल्कुल आर के बाएं से तो आर के लेफ्ट साइड अब आर का बाया और ये हो जाएगा बताया ना मैंने अपोजिट है भाई तो आर के ओर से पहला व्यक्ति एस है दूसरा व्यक्ति टी है दूसरा पूछा था तो आंसर टी आ जाएगा कर लोगे कोई परेशानी प्रॉब्लम नहीं आने वाली चलो तो यही सेम काइंड होता है जैसे भी लोगों को बैठाया जाए अगर बोला जाए कि भाई इतने लोग हैं ए बी सी डी और ई इनका चेहरा पूर्व दिशा में है इनका चेहरा पूर्व दिशा में है तो खुद को मान लो भाई बहुत इजी रहता है ये वाला बन जाएगा मेरा इधर बन जाएगा मेरा राइट हाथ मतलब दाई तरफ और ऊपर बन जाएगा मेरा लेफ्ट हाथ मतलब बाई तरफ ऐसे करके बना लोगे सिंपल हो जाएगा और अगर बोले पांच लोग हैं पी क्यू आर एस टी और सभी का चेहरा है वेस्ट डायरेक्शन में पश्चिम दिशा में बस लेफ्ट लाइट निकाल लेना फिर तो क्वेश्चन में कुछ नहीं रहता अब पश्चिम दिशा में देख रहे हो जस्ट ईस्ट का अपोजिट जो लेफ्ट था अब वो बन जाएगा राइट ऊपर वाला यहां पर बन जाएगा दाया और नीचे वाला बन जाएगा यहां पर बाया लेफ्ट क्लियर है चीजें चलो अभी मैं देखती हूं कितनी क्लियर है क्वेश्चन नंबर वन आपके स्क्रीन पर ये रहा करिए जरा फटाफट फड़ से बताइए क्वेश्चन नंबर वन के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा करिए जरा इसको सॉल्व बताइए जल्दी से क्या होगा बिल्कुल आ, सुयांश साहू जी बायलैंग्वल ही पढ़ाया जा रहा है योद्धा बैच में मैं खुद कंप्यूटर एरियोज के अंदर तो योद्धा बैच में बच्चा बायलैंग ही चीजें आपकी पढ़ाई जा रही है क्वेश्चन नंबर वन बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा करिए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर बताऊ बताइए फटाफट से अच्छे से करना भाई सारा खेल बाएं दाएं का है बाकी तो कुछ नहीं है करोगे चलो अब इसने क्या बोला आंसर यहां पर आना भी स्टार्ट नहीं हुआ बी आना स्टार्ट हो चुका है अच्छा चलो चेक कर लेते हैं छह लड़के पी क्यू आर एस टी यू ठीक है पंक्ति में उत्तर की तरफ बैठे हैं ऊपर की तरफ देख रहे हैं मुझे फिक्स पोजीशन चाहिए फिक्स पोजीशन बाई दाई दाई बाई ये चाहिए मुझे पी क्यू के पहले या दूसरे स्थान पर नहीं है अच्छा पहला स्थान है दूसरा स्थान है तो पी जो है और क्यू जो है वो इन दोनों स्थान पर नहीं आएंगे ओके जी ठीक है मान ली हमने बात आर एस के साथ हमेशा रहेगा ठीक है और आर एक छोर पर बैठा है तो या तो ये वाला छोर होगा या फिर ये कितने लोग हैं छह लोग हैं ना तो या फिर यह वाला छोर होगा अभी मुझे नहीं पता कि आर इस वाले कोने में है या उस वाले कोने में, अभी छोड़ देना आगे चलते हैं आर के दाएं एस नहीं है आर के दाई तरफ एस नहीं बैठा है सबका चेहरा उत्तर में है ऊपर की तरफ है तो मेरा दाया हाथ मेरा राइट पंक्ति का राइट हो जाएगा और मेरा बाया हाथ मेरा लेफ्ट हैंड पंक्ति का बायां हैंड मतलब बाई हाथ हो हाँ तो जाएगा आर एस के आर के दाएं एस नहीं है। तो आर को अगर मैं बैठाऊंगी तो आर के दाएं एस नहीं पाऊंगी। और बोला कि आर एस के पास बैठेगा तो अगर आर के दाएं एस नहीं है तो आर के बाई और तो मैं इसको को बैठा सकती हूँ बाई और बैठा दिया मैंने ये दो जगह फिर फिक्स हो गई इसने बोला पी और क्यू जो है वो एक और दो पर नहीं है तो पी और क्यू तीन चार पे तो बैठ सकते हैं हो सकता है क्यूं यहां पर बैठे और पी यहां पर बैठे फिक्स पोजीशन नहीं पता कौन बच गया एस और सॉरी टी और यू बच गया अब हो सकता है पहले पे टी और दूसरे पे यू ये भी हो सकता है कि पहले पे यू हो और दूसरे पे टी कंफ्यूज पता नहीं टी यू यू में से कोई भी हो सकते हैं हमसे पूछा गया है कि पश्चिम दिशा में पश्चिमी छोर पे कौन खड़ा है तो ये मेरा पश्चिमी छोर है पश्चिमी छोर पर टी भी हो सकता है यू भी हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन में कंफर्मेशन नहीं दी गई है तो हम अपनी तरफ से कंफर्मेशन नहीं दे सकते क्लियर है लॉक तो कर दिया पर बहुतों तो का आंसर गड़बड़ आ रहा था ठीक है चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसको करिए जरा एक बार फटाफट से क्वेश्चन नंबर सेकंड करिए जरा जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और आपका समय शुरू होता है अब करिए जरा एक बार जल्दी पी क्यू आर एस तथा टी टी भी लिख लेना टी मिसिंग है इसके अंदर पंक्ति के पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे हैं, मतलब पश्चिम की ओर चेहरा याद रखना वेस्ट डायरेक्शन में करवा दिया है चेहरा इस बार पी क्यू एक साथ बैठे हैं, आर दक्षिण कोने पर है एस उत्तरी छोर पर है टी क्यू तथा आर का पड़ोसी है बीच में कौन बैठेगा करे इसका आंसर टाइम हो गया काफी ज्यादा चलो इसको करना शुरू कर देते हैं बात कर रहा है कितने लोगों की पी क्यू आर एस टी पांच ही लोग मैंने यहां पर बना दिया सबका चेहरा वेस्ट डायरेक्शन में है पश्चिमी दिशा में है नीचे वाला छोर मेरा साउथ डायरेक्शन का होता है भाई हमने पढ़ी हुई है दिशा दूरी ऊपर होता है मेरा उत्तर मतलब नॉर्थ ऊपर नॉर्थ होता है मेरा नीचे होता है दक्षिण जिसको हम साउथ कहते हैं इतना तो क्लियर है ना क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो उसने फिक्स पोजिशन दे दी मुझे आर दक्षिणी कोने पर बैठा है और एस उत्तरी कोने पर बैठा है तो दोनों की तो फिक्स पोजिशन हो गई और क्या बोला टी क्यू और आर का पड़ोसी है टी कौन है तो आर तो पहले बैठ चुका है तो टी नाम का व्यक्ति क्यू और आर का पड़ोसी है बैठा दिया और क्या बोला हुआ था पी क्यू साथ में बैठे हैं पी जो है वो क्यू के साथ बैठा हुआ है बैठ गए सभी लोग पूछा है बीचो बीच कौन सा व्यक्ति बैठा होगा तो बिल्कुल बीच में दो व्यक्ति ऊपर दो व्यक्ति नीचे बिल्कुल बीच में क्यों नाम का व्यक्ति बैठा है ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर बताओ जरा क्लियर है या नहीं क्या हो जाएगा ऑप्शन क्यू बी मतलब ऑप्शन बी में जो क्यों दे रखा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा चलो आ जाओ बीच में ट्विस्ट करती रहूंगी मैं चीजों को बीच में कुछ कुछ और भी क्वेश्चन मैं आपको देती रहूंगी ताकि जागृत हो सको और, और भी चीजों से चलो एक इसको कर लो फिर देते हैं हम बीच में और भी क्वेश्चन ये भी बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है छह बच्चे ए बी सी डी ई एफ एक पंक्ति में खड़े हैं बी एफ और डी के बीच में है ई e, ए और सी के बीच में है ए ना तो एफ के साथ खड़ा होगा ना ही डी के साथ खड़ा होगा डी के साथ खड़ा होगा सी डी के साथ नहीं खड़ा है एफ बच्चों में निम्न में से किसके बीच में होगा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बहुत समझ बहुत समझने वाला भी क्वेश्चन है करो जरा एक दो कैलेंडर के भी करवाऊंगी रुक जाओ थोड़ा सा करें इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से करते हैं जैसे इसने बोला है फिक्स पोजिशन तो मुझे दिख नहीं रही बी एफ और डी के बीच में खड़ा है ठीक है बी नाम का व्यक्ति एफ और डी के बीच में ऐसे भी खड़ा हो सकता है और ऐसे भी खड़ा हो सकता है दोनों कंडीशन बन रही है बना लो फिक्स तो पोजीशन दे नहीं रखी ई e, ए और सी के बीच में खड़ा है चलो अभी रुकना ए ना तो एफ के साथ खड़ा होगा और ना ही डी के साथ खड़ा होगा ए नाम का व्यक्ति एफ और डी के साथ खड़ा नहीं होगा इसका मतलब ए नाम का व्यक्ति एफ और डी से थोड़ी दूरी पर खड़ा होगा क्लियर है सी डी के साथ खड़ा नहीं होगा तो सी अगर डी के साथ नहीं खड़ा है तो एफ के साथ तो खड़ा हो सकता है ना भाई सी डी के साथ नहीं खड़ा है तो एफ के साथ तो खड़ा हो सकता है है ना ठीक एफ बच्चों के निम्न युग में से किसके बीच में है ठीक है तो यहां पर मैंने सी को खड़ा कर दिया क्योंकि सी डी के साथ खड़ा नहीं है तो एफ के साथ खड़ा हो सकता है हमसे बोला गया यहां पर क्या ई ए और सी के बीच में है तो ई नाम का व्यक्ति सी और ए के बीच में ये बन गया क्रम बनेगा बच्चों को बैठाने का ये वाला आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एफ किन बच्चों के बीच में खड़ा है एफ नाम का बच्चा एक तरफ बी दूसरे तरफ सी तो बी और सी दो नाम के व्यक्तियों के बीच में खड़ा है सी के बीच में खड़ा है ऑप्शन बी और ए के बीच में किसका आ रहा है भाई बी और ए के बीच में किसका आ रहा है ठीक है किसके बीच में खड़ा होगा बी और सी के बीच में खड़ा होगा बी और सी विल बी द राइट आंसर कर लोगे सही से चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट अब देखो ये वाला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ये वही एग्जैक्ट क्वेश्चन है जो कि आपका एनटीपीसी के अंदर पूछा गया था क्लियर है बी एंड सी विल बी द राइट राइट आंसर कोई भी ऐसा कमेंट ना करे जो बेकार हो ठीक है चलो ये क्वेश्चन है एग्जैक्ट जो कि आपका एनटीपीसी में पूछा जा रहा है टोटली totally उस पर बेस्ड है कुछ लोग उत्तर की तरफ देख रहे हैं और कुछ लोग दक्षिण की तरफ देख रहे हैं ए बी सी डी ई e, पंक्ति में बैठे हुए हैं तथा दक्षिण की तरफ देख रहे हैं मतलब ए बी सी डी ए बी सी डी ई ये पांच लोग हैं जो कि दक्षिण की तरफ देखेंगे साउथ की तरफ देखेंगे तो इसका मतलब जो मेरा राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा और जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा भाई अभी पढ़ाया था मैंने इतनी सारी चीजें क्लियर है यही क्वेश्चन आपका एनटीपीसी के अंदर पूछा गया है देखना और चीजें नेक्स्ट ओ ओ पी पी और भी कर देना एन एम दूसरी पंक्ति में और उत्तर की तरफ देख रहे हैं तो दूसरी पंक्ति में भी कुछ लोग हैं इन ये कौन है एम एन ओ पी क्यू और इनका चेहरा ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन में है उत्तर की तरफ है उत्तर की तरफ है तो जो मेरा राइट है वो इसका राइट हो जाएगा जो मेरा लेफ्ट है वो इसका लेफ्ट हो जाएगा बस इतना ही आपको करना था बाकी आप क्वेश्चन को कर सकते हो क्लियर है चलो आगे देखो M, D के सामने है जो बी के तुरंत बाई और है बी कहां बैठेगा ऊपर वाले में बैठेगा है ना तो देखो एम जो है वो डी के तो सामने है जो का मतलब रिलेटिव प्रनाउन डी के लिए आया है डी बी के तुरंत बाई और बैठा है तो मैंने पहले बी को बैठा दिया और बी के तुरंत बाई और क्योंकि उल्टा है ना कौन बैठ जाएगा डी और डी के सामने कौन बैठा है एम बैठा है यही तो बोल रहा था ये कि भाई एम डी के सामने है डी वो जो कि बी के बाई और है इतना क्लियर है बना या नहीं बना आगे चले भाई बताओ क्लियर है बना यहां पर चीजें या नहीं बनी है आगे चले चलो नेक्स्ट और भी चीजें देखो क्या क्या बोल रहा है आपसे पी एम तथा क्यों के बीच में बैठा है P, M और Q के बीच में बैठा है अभी इसको मत लेना क्योंकि मुझे पता नहीं कि मैं P को इधर बैठा हूं या उधर बैठा हूं अभी छोड़ देना B o B के के ठीक ठीक सामने सामने O rukna, O है नाम का व्यक्ति बैठा है जबकि Q के ठीक सामने A है अब रुकना मुझे O मिल गया ना अब इसको उठाओ P, M और Q के बीच में है तो P नाम का व्यक्ति यहां पर होगा तभी एम और क्यू के बीच में उसको गिना जाएगा इतना क्लियर है यहां से आर को हटा देते हो ना तो आप इस आर को ना राइट ना समझ के पता नहीं क्या ही समझ लोगे अब देखो क्या बोला क्योंकि के ठीक सामने ए है क्योंकि के ठीक सामने ए नाम का व्यक्ति बैठा हुआ है आगे चलते हैं क्यू एंड सी एक दूसरे के विकर्ण में है। विकर्ण का मतलब होता है जस्ट डायगनल क्यू और सी एक दूसरे के विकर्ण में होंगे नीचे कौन सा व्यक्ति बच गया एम बैठ गया एन बच गया तो ये जगह बच गई एन यहां पर आ जाएगा ऊपर कौन सा व्यक्ति बच गया ए हो गया बी हो गया सी हो गया डी हो गया ई e बच गया तो ई e यहां पर बैठ जाएगा यह वाली जगह यह पंक्ति कुछ इस प्रकार से क्रिएट होगी बनी क्या सबकी पहले बताओ मुझे पंक्ति कुछ इस प्रकार से बनी सी बी डी ए और नीचे ओ एम पी क्यू बिल्कुल सही पंक्ति बनी अब देखो क्वेश्चन कैसे दिया गया था क्लियर है बंटी मोरेना जी या तो आप मुझे देख लो या तो पढ़ाई को देख लो मुझे देखकर कुछ नहीं मिलने वाला पढ़ाई को देखोगे तो शायद बहुत कुछ मिल जाए है ना सिलेक्शन हो जाएगा पता नहीं इतना फालतू टाइम कैसे होता है आपके पास मुझे तो समझ में ही नहीं आता चलो पंक्ति हमारी कैसी बनी थी देखो क्वेश्चन उसके हिसाब से कैसे कैसे आए ये पूछा गया था एनटीपीसी में अब आप लोग क्या करते हो क्वेश्चन को छोड़ देते हो क्वेश्चन को छोड़ने का ही मतलब क्या होता है आपने हार मान ली और क्वेश्चन आ गए थे ऐसे पांच क्वेश्चन आए थे पांच ऐसे पांच वैसे दस क्वेश्चन थे क्या दिया हुआ है सी बी डी ए सी बी डी ई ए एक पंक्ति तो ये बनी थी हमारी दूसरी पंक्ति थी ओ एम पी क्यू अब क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर वन इसके ऊपर बताओ जरा फटाफट फ़ड़ से करिए जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाएगा फटाफट फ़ड़ से करो पंक्ति बना ली आपने क्योंकि यही क्वेश्चन दे देगा वो ग्रुप डी के अंदर भी फिर परेशान हो जाओगे हाँ बच्चा आधा घंटे सिटिंग और आधा घंटे कैलेंडर कैलेंडर भी होगा फिक्र बिल्कुल भी मत करिए करिए जरा इसका आंसर क्या होगा यहां पर एन के ठीक सामने कौन बैठा है तो एन के ठीक सामने सी नाम का व्यक्ति बैठा है एक क्वेश्चन बन गया इससे केवल पजल करनी थी उससे पांच क्वेश्चन दिए हुए थे एग्जाम के अंदर अगेन दूसरा क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर क्या दिया हुआ है सेम पंक्ति रहेगी जो हमने बनाई एन ओ एम पी क्यू ऐसी पंक्ति बनी हुई थी और क्या थी सी बी डी ए सी बी डी ए करिए जरा फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा ई e के तुरंत बाई और कौन सा व्यक्ति होगा करना जरा एक बार फटाफट पड़ से ई e के बाई और कौन सा व्यक्ति होगा तो ई e मेरा ये रहा इनका चेहरा नीचे की तरफ था इसका मतलब मेरा राइट इनका लेफ्ट मेरा लेफ्ट इनका राइट ई e के तुरंत बाई और तुरंत बाई और कौन बैठा हुआ है ए बैठा हुआ है ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर क्लियर है तो ऐसे क्वेश्चन आए थे यही आपको करने होते हैं देख लेना इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए अगर मैं इसी का बता देती हूं जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है बताओ ओ और पी के बीच में कौन बैठा हुआ है सी बी डी ई एन ओ या ओ एम था ना ओ एम पी क्यू बताइए ओ और पी के बीच में कौन सा व्यक्ति बैठा हुआ है ओ और पी के बीच में डायरेक्टली नजर आ रहा है ये रहा ओ ये रहा पी बीच में कौन बैठा है एम बैठा है तो अगर आप एक पजल बना लेते हो ना तो उस पजल से होने वाले पांच क्वेश्चन को आप कर सकते हो पांच नंबर आपके पक्के हो जाते हैं ठीक है तो पजल पूछी गई यही नॉर्थ साउथ वाली थी जिसके बारे में आप पूछ रहे थे मुझसे कि मैम नॉर्थ साउथ वाली कैसी पजल से आई थी चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा कैलेंडर के ऊपर चलते हैं अब यहां पर कुछ चीजें हम कैलेंडर के बारे में भी समझ लेते हैं क्योंकि आप में से बहुत बच्चे थे जिन्होंने कैलेंडर की भी मांग करी पंचांग के बारे में कुछ चीजें यहां पर समझ लेते हैं बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से अगर हम कैलेंडर की बात करते हैं पंचांग की बात करते हैं तो कैलेंडर किसको कहा जाता है एक साल का लेखा जोखा कैलेंडर होता है पूरे एक साल का लेखा जोखा बारह महीनों का लेखा जोखा कैलेंडर दो साल के बनते हैं एक तो होते हैं साधारण साल एक तो होते हैं साधारण साल नॉर्मल ईयर जिनमें कुल मिलाकर तीन सौ पैंसठ दिन होते हैं और एक होते हैं लीप ईयर के कैलेंडर एक होते हैं लीप वर्ष के कैलेंडर जिनमें कुल मिलाकर तीन सौ दिन होते हैं क्योंकि इसके अंदर जो फरवरी का महीना है ना वो आता है उन्तीस दिन का केवल इस वजह से एक दिन बढ़ जाता है अच्छा एक और चीज भाई हमें पता है कि टोटल 12 महीने के दिन जोड़कर साधारण में 365 दिन होते हैं लीप ईयर में 366 दिन होते हैं अगर मैं ऑड डेज निकालती हूं एक्स्ट्रा दिन कैसे निकालूंगी हर सात दिन के बाद वही दिन रिपीट हो जाता है मतलब सात दिन का एक हफ्ता बनता है तो 365 दिन में कितने हफ्ते बनेंगे जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 7 फाइव जा पैतीस और सेवन सात दुनी चौदह बावन तो इसके अंदर हफ्ते बन जाएंगे और रिमाइंडर बच जाएगा एक यही एक्स्ट्रा दिन होता है बचा हुआ दिन इसलिए बोला जाता है साधारण साल के अंत में एक दिन जोड़ा जाएगा क्लियर है और तीन सौ में क्या होगा सेम तीन सौ को सात से डिवाइड करो टोटल बन जाएंगे बावन हफ्ते और बचे कुचे रिमाइंडर में आ जाएंगे दो दिन तो ये दो इसमें एक्स्ट्रा डेज होते हैं क्लियर है ये दो दिन कौन कौन से आएंगे इसमें एक दिन आएगा आपका लीप ईयर वाला एक दिन इसके अंदर आता है आपका फरवरी वाला फरवरी उन्तीस दिन की होती है और एक दिन आता है जो साल के एंड में जोड़ा जाता है तो कुल मिलाकर ये चीजें होती है इसके अंदर ठीक है इसलिए बोला जाता है कि अगर हम बात करते हैं यहां पर लीप ईयर की लीप ईयर के एंड में दो दिन जोड़ते हैं साधारण साल के अंत में एक दिन जोड़ा जाता है इतना क्लियर हो गया आगे चलो फिर हम बात करते हैं अगर वर्षों को जांचना पड़े अगर ईयर को चेक करना पड़े कि वो लीप ईयर है या नहीं तो फिर आप उसको कैसे चेक करोगे अगर लीप ईयर को चेक करना पड़े तो कैसे चेक किया जाता है सबसे पहले हम जानेंगे अगर कोई साधारण वर्ष है तो मतलब सेंचुरी नहीं है साधारण है सिंपल है मैंने आपको दे दिया 1962 बताओ क्या लीप ईयर है, है या ना बताओ जरा फटाफट से करिए जल्दी से बताइए आंसर क्या हो जाएगा क्यों कहा था क्वेश्चन में उड़ते परिंदे जी थोड़ा सा बैठ के देख लो भैया इतना नहीं उड़ते हाँ एम एन ओपी क्यू क्यूँ लिखा नहीं था बाद में मैंने चलो उन्नीस सौ कैसे चेक करोगे तो हर चार साल के बाद लीप ईयर आता है और हमें पता है जब हम मैथ्स में नंबर सिस्टम पढ़ते हैं कि वो पूरी की पूरी संख्या चार से कटेगी या नहीं कटेगी पता चलता है लास्ट की दो डिजिट को काट कर देख लो तो इसलिए लास्ट की दो डिजिट को चार से काट कर देखते हैं अगर कट गई तो लीप ईयर है नहीं तो नहीं तो मैंने यहां पर काटा अब क्या पूरी तरह कट जाएगी बिल्कुल कटेगी चार एक कम चार चारियां बारह नहीं कटेगी भाई चौबीस आएगा ना दो बचेगा कैसे कट जाएगी कुछ बच्चे बोल रहे हैं कट जाएगी कैसे काटोगे अगर मैं बासठ को चार से काटू चार एक कम चार आएगा, बचेगा दो चार के टेबल में बाईस आते हुए देखा है आपने बीस आता है चौबीस आता है बाईस तो नहीं आता तो यहां पर चार जो है वो पूरी तरह नहीं काट पाया बासठ को तो ये साधारण साल होगा साधारण साल का मतलब इसमें तीन सौ पैंसठ दिन होंगे और इसके एंड में एक दिन, एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ा जाएगा अगर मैं लिखूं 1932, बताइए क्या ये लीप ईयर है या नहीं करिए जरा फटाफट से नहीं होगा भाई कैसे काट दोगे बाईस को कैसे काट सकते हो आप बताइए फटाफट से अगर मैं इसको इस प्रकार से नोट करके लिख दू क्या उन्नीस एक आपका लीप ईयर है या नहीं है कैसे चेक करोगे आप इसे तो अगेन लास्ट की दो डिजिट चेक करो क्या चार से कट रही है चार अठे बत्तीस कट जाएगी इसका मतलब ये लीप वर्ष होगा इसमें कुल मिलाकर तीन सौ होंगे और साल के अंत में दो दिन जोड़ा जाएगा साल को देखने का ये तरीका होता है क्लियर तो वर्ष को ऐसे जांचोगे और अगर दिया गया वर्ष कोई शताब्दी निकल गया तो अगर आपको जो ईयर दिया हुआ है वो सेंचुरी निकला तो क्या 1600 सो ईयर है चेक करना क्या 1300 सो ईयर है चेक करना क्या 2300 सो ईयर होगा या फिर अगर मैं बात करती हूं तो क्या 2800 सो ईयर है चेक करो कौन कौन से साल लीप ईयर है कौन से नहीं अगर सेंचुरी की हम बात करते हैं 1932 बिल्कुल लीप ईयर है क्योंकि चार से ही कट जाएगा अगर मैं शताब्दी की बात करती हूँ तो शताब्दी उसे कहते हैं जिस भी डिजिट या जिस भी नंबर के पीछे दो जीरो आती है तो यहां पर दो जीरो मुझे दिखाई दे रही है सेंचुरी को आप चार सौ से चेक करोगे इसने मेरे नंबर के आगे दो जीरो लगा दिया मैं चार के आगे दो जीरो लगा दूंगी सेंचुरी को चार सौ से चेक किया जाता है कट गया तो ईयर नहीं कटा तो साधारण साल दो जीरो से दो जीरो गए ये पूरा कट जाएगा इसका मतलब सोलह लीप ईयर है दो जीरो से दो जीरो गए ये नहीं कटेगा इसका मतलब ये साधारण साल है यहां पर देखो नहीं कटेगा ये भी साधारण साल है यहां पर देखो कट जाएगा सात से तो ये भी लीप ईयर है तो आप यहां पर इस तरीके से ईयर को चेक करते हो ये केवल बात रहे थे हम वर्ष के बारे में ठीक है वर्ष के बारे में हमें चीजें पता चल गई अब आ जाओ महीने पर अगर मैं कैलेंडर में मंथ की बात करती हूँ तो हमारे एक साल के कैलेंडर में टोटल कितने महीने होते हैं बारह महीने होते हैं कौन कौन से बारह महीने होते हैं टोटल जनवरी फेबररी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, नवंबर ठीक है अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड देन दिसंबर तो कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तो हमारे कैलेंडर में बारह महीने होते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर बारह महीने जनवरी में कुल मिलाकर इकतीस दिन होते हैं थर्टी वन डेज फरवरी में अगर लीप ईयर की नहीं है साधारण साल है तो अट्ठाइस दिन लीप ईयर है तो उन्तीस दिन मार्च में इकतीस दिन अप्रैल में तीस दिन मई में इकतीस दिन जून में तीस दिन होते हैं जुलाई में इकतीस दिन होते हैं अगस्त में इकतीस दिन होते हैं जो क्वेश्चन आ रहा है ना अभी एन के एग्जाम में कि दोनों दिन को जोड़कर बताओ टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होंगे इन दोनों दिन के बीच में तो वो देखो वो यहीं से पता चलेगा जब आप चीजों को यहाँ पर देखते हुए चलोगे तो सितंबर में आते हैं तीस दिन अक्टूबर में आते हैं इकतीस दिन नवंबर में आते हैं तीस दिन दिसंबर में इकतीस दिन आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वो कौन से दो एडजेसेंट मंथ है जिनमें सेम डेट होती है या सेम तारीखें होती हैं सेम दिन होते तो अगस्त और सितंबर जुलाई और अगस्त ये दो ऐसे महीने होते हैं जिनमें सेम तारीखें होती हैं सेम दिन होते हैं इसमें भी इकतीस उसमें भी इकतीस हालांकि आपने बचपन से किया भी होगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई इस तरीके से क्लियर है चलो समझ में आ रही है चीजें अब यहां पर मैं इतनी छोटी चीज आपको क्यों बता रही हूं ताकि आप आगे क्वेश्चन को और भी ज्यादा आसान बना सको कैसे बनाओगे मैं इन सबके ऑड डेज निकाल देती हूं सात से डायरेक्टली मैंने यहां पर डिवाइड कर दिया तो अगर इकतीस का महीना है तो इसमें ऑड डेज आएंगे तीन रिमाइंडर तीन आएगा सात चौके अट्ठाईस रिमाइंडर तीन बचा जब साधारण साल की फरवरी होगी तो रिमाइंडर जीरो आएगा और जब लीप ईयर की फरवरी होगी तो रिमाइंडर एक रिमाइंडर तीन आता है तीस के महीने में रिमाइंडर आता है तो अब इकतीस तीस ना लिखकर डायरेक्टली तीन और दो आप लिख सकते हो एक ही बात होती है इकतीस के महीने में तीन रिमाइंडर आएगा तीस के महीने में दो रिमाइंडर आता है बाकी हफ्ते बन गए सात चौके चार हफ्ते बने बचे हुए तीन दिन आ गए इकतीस के महीने में तीन ऑड डेज आते हैं तीस के महीने में दो ऑड डेज आते हैं इकतीस में तीन आएंगे तीस में दो आएंगे इकतीस में तीन आएंगे तो कुल मिलाकर ऐसे आप ऑड डेज को भी निकाल सकते हो ये काम आएंगे जब आप डायरेक्टली क्वेश्चंस को करते हैं तो क्लियर है सारी चीजें अब चले थोड़ा सा क्वेश्चन पे क्वेश्चन पे एक नजर डालने करने के लिए चलो एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया कुछ इस प्रकार से यदि तेरह फरवरी 2012 को यदि 13 फरवरी 2012 को शुक्रवार था फ्राइडे था यदि 13 फरवरी 2012 को शुक्रवार था फ्राइडे था तो आपको बताना है क्या 23 सितंबर 23 सितंबर 2012 को कौन सा दिन होगा करिए जरा इसका आंसर ऑप्शन नहीं करना है डायरेक्टली जो आप बोलोगे भैया ऑप्शन लिख दूंगी मैं करिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा किसमें इकतीस होते हैं और किसमें तीस होते हैं बताओ जुलाई और अगस्त अरे नहीं हो आप जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई जुलाई और अगस्त दो ऐसे महीने हैं जिसमें इकतीस से इकतीस दिन होते हैं लगातार एडजेसेंट बराबर में ठीक है चलो करो जरा फटाफट से आंसर आंसर आना स्टार्ट भी हो चुका है वेरी गुड चलो एक बार देख लेते हैं कि सही आ रहा है आपका आंसर या नहीं आ रहा है पंजाब रनर इंडिया जी नीचे लिख देना मैं कल के सेशन में इसको ले लूंगी क्वेश्चन को या फिर लास्ट में भी आप बता सकते हो वेडनर्सडे वेडनसडे वेडनर्सडे थर्सडे अब आप इसको किस प्रकार से करेंगे एक तरीका हो गया जो नॉर्मल आप करते हो कि भाई तेरह फरवरी से तेईस सितंबर के बीच में कितने दिन होंगे पहले फरवरी का महीना बीता फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई फिर अगस्त आया होगा और फिर सितंबर फरवरी में टोटल ये लीप ईयर की फरवरी है 2012 लीप ईयर है लीप ईयर में 29 दिन होते हैं 13 दिन बीत गए बचे कितने 16 दिन मार्च में इकतीस दिन होंगे अप्रैल में तीस दिन मई में इकतीस दिन जून में तीस दिन जुलाई में इकतीस दिन अगस्त में इकतीस दिन और सितंबर में तेईस दिन पूछे हुए हैं सबको आपस में जोड़कर सात से डिवाइड कर दीजिए कितना बन जाएगा ये छह और सात आठ नौ दस तीन तेरह एक लगेगा हासिल एक और दो तीन 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 छह तीन नौ नौ तीन बारह बारह तीन पंद्रह पंद्रह तीन अठारह अठारह तीन इक्कीस और एक बाईस सात से इसको रो करोगे डिवाइड रिमाइंडर कितना आ जाएगा सात इक्कीस और सात एकम एक सात रिमाइंडर आएगा छह मतलब छह मेरे पास आए बचे कुछ दिन रिमाइंडर फ्राइडे में छह दिन जोड़ लो क्या आ जाएगा फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे थर्सडे विल बी द राइट आंसर गुरुवार इसका आंसर आ जाएगा ये थी आम जिंदगी अब चलते हैं मेंटोस जिंदगी की तरफ देखो किस प्रकार से सेम निकालना है हमें पता है भाई फरवरी से सितंबर तक का निकालना है फेबर मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर फरवरी में लीप ईयर की है उन्तीस दिन होते हैं तेरह दिन चले गए बचे कितने सोलह दिन मार्च इकतीस दिन की होती है तो डायरेक्ट निकाल दो ना हमने पीछे क्या पढ़ा था भाई जब इकतीस को सात से डिवाइड करते रिमाइंडर तीन आता है तो क्या मैं इकतीस की जगह डायरेक्ट तीन नहीं लिख सकती बात तो एक ही पड़ेगी अभी देख लेना और क्लियर हो जाएगा अप्रैल तीस दिन का होता है तो इसका बचा कुछ रिमाइंडर दो आता है मई होता है कितने का इकतीस का तीन रिमाइंडर आएगा जून तीस का दो रिमाइंडर जुलाई और अगस्त इकतीस इकतीस तीन रिमाइंडर और आपको ये लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी जब आपको ये चीजें क्लियरली पता चल जाएंगी उसके बाद सितंबर में तेईस तारीख दे रखी है तो तेईस को ही ऐड कर लेंगे जिन भी नंबर को जोड़कर सेवन का मल्टीपल बनता है उसको वही काट दो जैसे कि मैंने देखा दो तीन चार पांच छह सात इन तीनों को जोड़कर सात बन रहा था तो मैंने इसको यहीं पर काट दिया और किसी को जोड़कर सात का मल्टीपल बनता है तो डेफिनेटली आप उसको भी काट सकते हो चाहो तो अब मैंने यहां पर देखा अगर मैं इन सभी को जोड़ दू सोलह प्लस तीन प्लस तीन प्लस तीन प्लस तेईस हालांकि मुझे ये दूसरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं थी जितना पचा उसको ही जोड़ दो आपस में कितना आ जाएगा तो ये आ जाएगा तीन 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 चौक और तीन किसान बारह बारह और छह एक लगेगा हासिल दो तीन और एक चार आ जाएगा अपॉन यहां पर भी रिमाइंडर छह आएगा तो भी ही बनेगा चाहे तो आप इसको इस तरीके से करके छह रिमाइंडर लाके कर दो चाहे तो ऐसे कर दो जैसे मन करे वैसे कर दो जब एक बार बिल्कुल आपको जो भी अच्छा लगता है पहले वाला मेथड अच्छा लगता है या दूसरे वाला मेथड अच्छा लगता है जो भी मेथड अच्छा लगता है आप उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो क्लियर है आगे चले फिर अच्छा आप ऐसे ही करते हो चलो बहुत अच्छी बात है अब देखो और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम के अंदर जैसे अभी क्वेश्चन आया रेलवे के पेपर में किस प्रकार से रेलवे के पेपर में क्वेश्चन दिया गया कि भाई तेरह फरवरी कुछ दे दिया ठीक है तेरह फरवरी दो हजार बारह से तेरह फरवरी दो हजार बारह से यहां पर ले लीजिए पंद्रह जून पंद्रह जून दो हजार बारह तक कितने दिनों की संख्या होगी अगर इन दोनों दिनों को भी गिन लिया जाए तक दिनों की संख्या बताइए टोटल डेज दिनों की संख्या टोटल डेज कितने आएंगे टोटल दिन कितने आएंगे ये आपको बताना है और लिख लेना यदि दोनों तारीख यदि ये दोनों तारीख भी गिनी जाए यदि ये दोनों तारीख भी गिरी जाए बताइए जरा क्या होगा इसका आंसर ये क्वेश्चन आया है आपके एन टी पी सी सीबीटी टू के एग्जाम के अंदर करिए फटाफट से क्या होगा इसका आंसर जल्दी से करके बताइए बिल्कुल भाई कैलेंडर एंड क्लॉक के बारे में बता देना मैम चलो क्लॉक करवाती हूं मैं कल क्लॉक का पूरा का पूरा एक चैप्टर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ मैं कल करवाती हूं घड़ी वन टू थ्री वन टू फोर आंसर आना स्टार्ट हो चुका है देखो एक सौ तेईस भी आ रहा है एक चौबीस भी आ रहा है 122 भी आ रहा है 125 भी आ रहा है करें जी चला चेक करें चलो तेरह फरवरी से लेना है मुझे जून तक के बारे में फरवरी मार्च अप्रैल मई जून क्लियर है फरवरी में हम बात करते हैं कितने भाई ये लीप ईयर की फरवरी है उन्तीस में से तेरह दिन गए तो सोलह बचा पर याद रखो उसने बोला वो दिन भी जोड़ो दोनों दिन को जोड़ना है तो मैं इस तेरा को गायब नहीं कर सकती मुझे तेरवा दिन भी जोड़ना है तो तेरहवा दिन जोड़ूंगी मैं यहां तो मैंने गायब कर दिया तो फरवरी में टोटल सत्रह आ गए दिन समझ रही हो ना भाई इसने बोला तेरह फरवरी भी गिनो तो मैंने तो तेरह फरवरी घटा दिया मुझे तेरह फरवरी भी गिनना था इसलिए मैंने एक दिन और जोड़ दिया सत्रह दिन आ गए फरवरी में मार्च में होते हैं टोटल इकतीस दिन अप्रैल में तीस दिन मई में इकतीस और जून में जितना दिया है उतना ही जोड़ लो टोटल पंद्रह दिन देख लो कितना आ रहा है वही आंसर है कितना बनेगा सात आठ नौ नौ और पांच चौदह लगेगा एक हासिल एक दो दो और तीन तीन नौ कितना आ जाएगा 11 और एक बारह एक सौ आंसर, आंसर होगा 123 कैसे आ रहा है और जिसका 125 आ रहा है वो तो पता नहीं क्या ही करना चाह जिंदगी में हा? बताओ जरा क्लियर है या नहीं है इसने बोला कि भाई दोनों तारीख को भी गिनो तो हम लास्ट वाली तारीख तो हमेशा गिनते थे हम स्टार्टिंग की तो नहीं गिनते थे जब इन बिटवीन बोलता है तो यहां पर फिर एक आएगा फिर हम केवल सोलह दिन गिनते हैं फिर हम तेरा को नहीं गिनते लेकिन जब बोल रहा है दोनों तारीख को गिनना है तो आप तेरहवीं तारीख को भी गिनोगे पंद्रह को तो आप गिनते ही गिनते हो लास्ट वाला तो हम हमेशा गिनते हैं शुरू वाला नहीं गिनते ना तो अब शुरू वाले दिन को भी जोड़ना है तो कुल मिलाकर 124 दिन आएंगे 124 ट्वेंटी फोर विल बी द राइट आंसर क्लियर है या नहीं नहीं क्लियर है एक और क्वेश्चन करो एक और क्वेश्चन करिए यदि यदि दोनों तारीखों को भी जोड़ा जाए यदि दोनों तारीखों को भी जोड़ा जाए तो बताइए 11 जनवरी 11 जनवरी 2010 से 12 अगस्त 2010 तक कितने दिनों की संख्या आएगी नंबर ऑफ टोटल डेज दिनों की संख्या बतानी है कितनी आएगी बताइए जरा फटाफट से 124 करेक्ट फोर करेक्ट जिनका 128 आ रहा है वो तो कहां से पेपर दे रहे हो आप कहां से देख रहे हो क्लास को हां करिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा 11 जनवरी 2010 से 11 12 अगस्त 2010 तक दिनों की संख्या तो अब यहां पर क्या हो गया पहले आप आंसर बताओ फिर मैं करना स्टार्ट करती हूं पहले आप बताइए क्या होगा क्लॉक और पजल क्लॉक केवल क्लॉक क्लॉक का ही टॉपिक मैं कल लेकर आती हूं ना कल लेकर आती हूं कल सैटरडे को लेकर आती हूं करो जरा करिए <coughs> <coughs> 1248 होंगी अच्छा टोटल अपने पास तीन सौ पैंसठ डेज होते हैं आपके बारह सो अड़तालीस आ रहे हैं देखो कितने महीने बीते तो डेफिनेटली जनवरी बीती जनवरी के बाद आया आपका क्या फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई फिर आया अगस्त क्लियर है जनवरी में इकतीस दिन होते हैं इकतीस में से अब की बार ग्यारह को घटाते हो आप लोग हमेशा से तो जब आप ग्यारह को घटाते हो तो कितना आता है बीस आता है लेकिन इसने बोला दोनों तारीख गिननी है तो ग्यारहवा दिन भी गिनना है इसलिए वो ग्यारहवा दिन वापस से जोड़ देते हैं इक्कीस दिन आ गए जनवरी में क्लियर हो रही है ना चीजें फरवरी साधारण साल है अट्ठाईस दिन आ जाएंगी ट्वेंटी एट मार्च में इकतीस दिन अप्रैल में तीस दिन मई में इकतीस दिन जून में तीस दिन जुलाई में इकतीस दिन और अगस्त में जो भी दे रखा है मुझे बारह दिन तो बारह ही जोड़ दो सबको काउंट कर लो आपस में बस इतनी सी बात है काउंट करोगे कितना आ जाएगा आठ और एक नौ और एक दस दस ग्यारह बारह तेरह चौदह लगेगा एक हासिल आ रहा है किसी क्लास में चार एक दो दो के बाद यहां पर देखोगे तीन एक दो तीन चार पांच दे रखा है पांच तिया पंद्रह पंद्रह दो 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 के बाद तीन में मल्टीप्लाई करोगे छह आ जाएगा कितना इक्कीस 214 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 11 जनवरी 2010 से 12 अगस्त 2010 के बीच में टोटल नंबर ऑफ डेज दोनों तारीख को जोड़कर 216 सौ होते क्लियर है या नहीं बताओ पहले अरे 214 आंसर आया या नहीं आया 21 224 आ रहा है क्या एडिशन में कोई गलती तो नहीं लग तो नहीं रहा मुझे कोई गलती हुई होगी एक ही हासिल चढ़ा था ना यहां पे अरे भाई दो पांच पांच तीन आठ आठ तीन ग्यारह ग्यारह तीन चौदह चौदह तीन सत्रह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस इक्कीस तो आएगा टू वन फोर विल बी दंड्रेड एंड टेन परसेंट राइट आंसर क्लियर है आगे चले चलो तो ये तो होता है क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो डेफिनेटली करनी है अगर तुलना थोड़ी सी बड़ी दे दी जाए तो करिए जरा इसको फटाफट से एक बार अगर दे दिया जाए कि भाई तेरह जनवरी तेरह जनवरी 2021 को मंडे था तेरह जनवरी 2021 को सोमवार था तो आपको बताने है क्या तेईस मार्च तेईस मार्च 2023 को कौन सा दिन होगा कैसे करोगे आप इस वाले क्वेश्चन को करिए जरा फटाफट से बच्चा टू वन फोर ही होगा बिल्कुल गणेश जब ये आया था ना रेलवे के अंदर तो डेफिनेटली बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हुई थी क्योंकि आप क्या करते हो नॉर्मली सबको जोड़ते हो तो 213 आता है दो दिन जोड़ लेते हो पीछे वाला भी और आगे वाला भी तो करके आ जाते हो आंसर 215 जबकि आंसर 214 होता है तो कोई भी क्वेश्चन बच्चे वाला तब लगता है जब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है तो ठीक है चलिए करिए जरा बड़ा से बताइए इसका आंसर क्या होगा अरे करिए जल्दी से अरविंद लगा लो कोड कोड लगाओ डेफिनेटली क्वेश्चन हो जाएगा इसका आंसर सही आ जाएगा कैसे करेंगे इसका कंपैरिजन किस प्रकार से किया जाता है तो सबसे पहले तारीख और महीना सेम रखना जो साल पूछा गया है बस उसको चेंज कर दो सबसे आसान तरीका इन दोनों को कंपेयर करो 2021 से 23 दो साल का अंतर है पहले 2021 बीचा फिर 2022 और 23 पूछ लिया 2021 हजार चार से नहीं कटेगा मतलब साधारण साल है एक दिन का अंतर है दो हजार बाईस चार से नहीं कटेगा केवल एक दिन का अंतर है मंडे में दो दिन जोड़ो टोटल दो दिन का गैप मंडे के बाद आता है ट्यूसडे ट्यूसडे के बाद आता है वेडनेसडे मतलब मुझे यह पता चल गया कि तेरह जनवरी दो हजार तेईस को बुधवार वेडनेसडे है अब इन दोनों को कंपेयर करना है मुझे जनवरी बीती फरवरी बीती और फिर आ गई मार्च अगर मैं तेरह जनवरी से तेईस मार्च के बीच के दिन निकाल दूं और उसका रिमाइंडर तो आंसर आ जाएगा जनवरी की बात करते हैं जनवरी में इकतीस दिन होते हैं 13 दिन तो बीत चुके हैं बाकी कितने दिन बचे हैं बाकी बचे हैं अपने पास अट्ठाईस दिन।, दिन होंगे और मार्च में तेईस दिन मुझे दे रखे हैं सबको जोड़ लो जो सात का मल्टीपल है उसको काट दो अट्ठाईस सात का मल्टीपल है यहीं पर काट दो अब जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगी कितना आ जाएगा मेरे पास तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे आठ तीन ग्यारह एक हासिल दो तीन और एक चार इकतालीस को सात से करेंगे डिवाइड जाएगा रिमाइंडर आएगा आंसर इसका ट्यूसडे नहीं आएगा भाई अगर रिमाइंडर आपका एक मिनट प्रजापति जी किस प्रकार से कर रहे हो आप बताओ जरा मुझे रिमाइंडर आपका एक मिनट प्रजापति जी किस प्रकार से कर रहे हो आप बताओ जरा मुझे ट्यूसडे आंसर आएगा इसका चाहे छह को प्लस करो चाहे एक को घटाओ वेडनसडे में छह दिन जोड़ेंगे वेडनसडे के बाद क्या आता है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूजडे आंसर विल बी ट्यूजडे मंगलवार इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा क्लियर है ठीक है चलो तो ये हो गया अब एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूं डेफिनेटली उसको करके जरूर जरूर आपको आना है एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया यदि 25 दिसंबर यदि 25 दिसंबर 2009 को सोमवार था यदि 25 दिसंबर 2009 को सोमवार था तो आपको बताने क्या कि 31 आपको बताना है क्या 31 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा इसका आंसर करके बताने आपको ऑफलाइन कमेंट जितने भी स्टूडेंट से जरूर कीजिएगा कल मैं क्लॉक करवाऊंगी जैसा आप चैप्टर वाइज बोलते हो वो फ्राइडे और सैटरडे ही चलती है आपकी क्लास तो मैं कल आपको करवाऊंगी घड़ी क्लॉक सारे सारे टाइप सारी टाइप के क्वेश्चंस तो हर एक चीज को जरूर जरूर देखेंगे अरे शांति से पढ़ा करो कोई ऐसा कमेंट मत करो जो बेकार होता है आप इतने बच्चे नहीं हो कि आपको पता नहीं क्या गलत है और क्या सही चलिए जी तो आज के सेशन को हम लोग यहीं तक रखेंगे आशा है कि आपको क्लास आज की अच्छी लगी होगी समझ में आई होगी एक बार मुझे कमेंट करके बताइए कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा ठीक है चलो तो आज के सेशन को हम लोग इसी के साथ करते हैं यहां पर एंड मिलते हैं हम लोग कल अपने ही टाइम पर ठीक सुबह नौ बजे एक नए टॉपिक के साथ तो तब तक के लिए बिल्कुल हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए खुश रहिए अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए जय हिंद जय भारत